आज हमारे साथ वर्शिप करने के लिए तैयार। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आज मेरे समर्पण के द्वारा, मेरे डेडिकेशन के द्वारा खुदावन आज मेरे हालातों को बदल दे परमेश्वर पिता। हालेलुया, मैं दिल से परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए तैयार हूँ परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर, मैं हालातों को ना देखते हुए, मैं परिस्थितियों को ना देखते हुए परमेश्वर मैं तेरी आराधना करने के लिए तैयार हूँ परमेश्वर। आई एम रेडी फॉर वर्शिप यू लॉर्ड, कहे परमेश्वर मैं जिंदा, परमेश्वर मैं तेरी आराधना करने के लिए तैयार हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया, कहे परमेश्वर मैं तेरी समक्ष हूँ। हाँ परमेश्वर, मेरे दिल की बात तू जानता है परमेश्वर। ऐसी कौन सी बात है जो तू ना जानते हो खुदावंद? तू मेरी बीमारी को जानता है, तू कहे तो परमेश्वर बीमारी जाती रहेगी परमेश्वर पिता। हालेलुया, अगर तेरा एक शब्द मेरे लिए निकले तो परमेश्वर आज मेरी हाई पाऊंगा। हालेलुया, आइए उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें अपने पूरे दिल से, हाँ पूरे ईमान से उस परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Oh, my Elohim.
के साथ मिचिया हर रोज
वो
Bye.
बोले महिमा
विश्वास पर खा जाएगा आनंद समझो विश्वास पर खा जाएगा आनंद समझो होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा अपने के पश्चात सोना बनेगा होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा
सारे सारे एक साथ परमेश्वर की आराधना करें। आइए खड़े हो जाइए अपने स्थान पर और उस परमेश्वर की आराधना करते रहे। Thank you.
मैं तेरे समक्ष हूँ, हाँ खुदावंत मैं जब तेरी आराधना करता हूँ परमेश्वर, मेरे सारे काम परमेश्वर आप पर है। हालेलुया। Yeah.
चुप जा खड़े रहो, खुदा के मन में
तू मुझे अपना बना।
सभी अपने मुंह से परमेश्वर से कह के परमेश्वर जैसा तू चाहता है बन जाओ परमेश्वर, और कह कि परमेश्वर जब तेरी रूह मेरे अंदर आती है, तेरी आत्मा मेरे अंदर आती है परमेश्वर, बदल दे मुझे कंप्लीटली परमेश्वर।
परमेश्वर, आज मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं तुझे पाना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं तेरी रूह को अपनी जिंदगी में पाना चाहता हूँ परमेश्वर।
मैं चाहता हूँ सभी उसको स्वागत करो, ताली बजाते हुए उसको स्वागत करो। परमेश्वर का आत्मा, ओ परमेश्वर का आत्मा तुम में काम करे, हालेलुया, ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा काम करे, हालेलुया, आपके जीवन में आज काम करे। आप महिमा के राजा को अगर देखना चाहते हैं, अगर देखना चाहते हैं तो आज करो आराधना, करो आराधना आज, ओ पवित्र आत्मा को महिमा देते हुए, हालेलुया, करो करो करो, प्रार्थना करो। करो करो करो, मुंह खोल कर प्रार्थना करो। करो करो, प्रार्थना करो। आज किस बात के लिए आप यहाँ पर आए हैं वो आज आज बोलो, आज आज बोलो वो, हालेलुया, हालेलुया, ओ यस, हालेलुया, आज उसको आराधना करो, ओ जीसस, कहो यीशु आज महिमा दिखा, ओ अपने हाथों को उठाओ, फिर ताली बजाओ, अलर्ट रहो इस बात को लेकर के आज परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, ओ यस, हालेलुया। जितने बैठे हैं वो खड़े हो जाओ, आदर करो उस परमेश्वर को, महिमा दो, हालेलुया, हालेलुया। ओ मैं जानता हूं आज आप आज जैसे आए हैं वैसे नहीं जाएंगे, घर बदल के जाएंगे, महिमा को देखेंगे आप। ओ रबा शानदार रखी ना मना अंदर रखी ना मसा को तो रुबे ने, ओ रबा शानदार रखी ना मरा वाला, हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा आपका स्वागत है यहाँ पर, आपका स्वागत है यहाँ पर, हालेलुया, आग अंदर हो जाए हर दिलों में, पवित्र आत्मा की सामर्थ में भर जाओ, पवित्र आत्मा की सामर्थ में भर जाओ, महिमा के राजा को बुलाओ अपने जीवन में, मैं उस महिमा को देखता हूँ, हालेलुया, 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 ओ राजा यहाँ है, वो राजा यहाँ पर है, वो राजा यहाँ है, वो महिमा का राजा यहाँ पर है, हालेलुया, 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 ओ रबा बशन रगेरे, ओ रबा बशन रगेरे, ओ इखिना मसंदर रगेने ने, ओ पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, हालेलुया, 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 रबा बशन रगेने ने, अंदर रगेने मसाखुंदर रगेने, ओ रबा बशन रगेने। Oh Jesus, Jesus, Hallelujah, Hallelujah. Oh Rabba Bashandar Rakhina Mana, Inna Misa Khun. Oh yes. Hallelujah. Asambhav ko sambhav karne ke liye, Yeshu yahan maujood hai, Yeshu yahan maujood hai. Aaj aakhri din hai aapki samasyaon ka. आज दुष्ट आत्मा का आखिरी दिन है, उसने जो भी आपको सताया उस आत्मा ने, आज कहो तेरा आखिरी दिन है, बीमारी ने अगर सताया है वो बीमारी का आज आखिरी दिन है, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ शैतान तेरी सामर्थ टूट चुकी है, आज यीशु मसीह के नाम में मैं आगे देता हूँ, हालेलुया, हालेलुया, Oh yes, Hallelujah,
पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाओ, उस महिमा से भर जाओ। ओ वो महिमा यहाँ है, अगर आपने उस महिमा को देखना है तो अपने आप को खोल दीजिए। बोलो परमेश्वर मुझे आज तेरी जरूरत है, मैं आप ही को चाहता हूं परमेश्वर। ओ यस, ओ जीसस, ओ यस। अपने हाथों को उठाओ, एक बार कहो परमेश्वर मैं तुझे पुकार रहा हूं, मेरी दुहाई को सुन ले। मेरी पुकार यह है कि मैं तेरी इच्छा से जीना चाहता हूं, तेरी मर्जी पूरी करना चाहता हूं। होली स्पिरिट, यस, थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन। आप अपनी जगह पर बैठ सकते हैं और अपनी बाइबल को खोल दीजिए। मेरे साथ एक वचन को आप पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 38 आयत से मैं पढ़ूंगा। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए को की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू ने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े सबर से पुकार कर कहा, हे लाजर, निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। जोर से ताली बजाते उसको महिमा करो और जोर से हालेलुया, हालेलुया। ये ताली नहीं है, ये और ज्यादा इसकी इस वचन की महिमा होना चाहिए। एक बार जोर से हाथ उठा के हालेलुया बोल दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जो मर चुका था। उसका नाम क्या था? लाजर। लाजर को मरे हुए कितने दिन हो चुके थे? 4 दिन हो चुके थे। जिस व्यक्ति को 4 दिन मरे हुए हो चुके हैं उससे क्या आएगा, क्या निकलता है? 4 दिन अगर मरे हुए हो गए किसी को तो उसके बदन से क्या निकलेगा?
हैं? दुर्गंध निकलेगी। और इसी तरह से उस लाजर की जो बहन वो कहती है, यीशु मसीह उसको मरे हुए चार दिन हो गए हैं, उससे तो दुर्गंध आती होंगी। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए खोल दो, उस कवर को खोल दो, पर उसने कहा मैंने तुझसे कहा था ना विश्वास करोगी तो मेरी महिमा को देखेगी। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ, उस मरे हुए व्यक्ति को यीशु मसीह आवाज देता है, हे लाजर बाहर आ जा। और बताया जाता है वो कफन से बांधा हुआ था उसको, उसके चेहरे में पूरी बॉडी में, और बताया जाता है वो उस कवर से बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। ये असंभव है ना, चार दिन का मरा हुआ व्यक्ति उसको यीशु मसीह कह रहा है कि ये जीवित हो जाएगा, ये असंभव है। आपके लिए मेरे लिए क्या है, ये असंभव है ना। मरा हुआ व्यक्ति चार दिन का मरा हुआ, ये कैसे संभव है कि वो जीवित हो जाए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा हे मरियम, हे मार्था, क्या करो, आप विश्वास कर लो। हालेलुया। जब परमेश्वर ने नूह से कहा, नूह मुझे पता चला, मैंने समझ लिया है कि दुनिया में पाप फैल गया है, अब मैं इस दुनिया को समाप्त करने पर हूं, तू एक जहाज बना ले। और इतनी सी बात नूह ने सुनी कि जहाज बनाया जाए। और उस समय परमेश्वर ने यह बताने की कोशिश किया नूह को कि मैं इस दुनिया को, यहां पर रहने वाले लोगों को, सबको मैं खत्म कर डालूंगा। और हुआ क्या, नूह जहाज बनाने लग गए। और जब नूह जहाज बना रहा था उस समय कई लोग जो है ना नूह का मजाक कर रहे थे। क्या मजाक कर रहे थे मालूम, क्या मजाक कर रहे थे, उस समय ना बारिश नहीं हुआ करती थी, उस समय सिर्फ बूंदे बांदे जो थोड़ा बहुत ऐसे ओस गिरती थी, बस वो ही सब कुछ हुआ करता था उस समय। जो आज के समय में जो बारिश होती है, उस समय कोई बारिश नहीं होती थी। और जब लोगों से जो है ये नूह कहता था कि इस दुनिया को नाश करने पर है परमेश्वर, तौबा करो, पश्चाताप करो और प्रभु के पास लौट आओ, तो लोग उस समय क्या कर रहे थे, मजाक सोच रहे थे ये ऐसे ही कह रहा है। पर नूह ने एक शब्द को सुना और उसके अनुसार जो है उस जहाज को बनाने लग गया। और बताया जाता है कि नूह अपना काम करते जा रहा है, अपना काम करते जा रहा है, करते जा रहा है। और एक दिन क्या होता है, जब जहाज तैयार हो गया तो बताया जाता है कि जल प्रलय आया और जो दुनिया में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे क्या हो गए, खत्म हो गए। पर कौन बचाया गया, नूह और उसका परिवार, सिर्फ आठ लोग बचे उस दौरान। सोचो, एक व्यक्ति, परमेश्वर की आवाज सुना कि एक दिन जो है इस दुनिया को परमेश्वर नाश करने वाला है, और उसने देखा कि परमेश्वर ये करने जा रहा है, और उसने पूरी रीति से विश्वास किया उस बात पर और जहाज बनाया। आज ऐसे लोगों को मैं आज कह रहा हूं, अगर परमेश्वर आज आपको आवाज दे रहा है आपको बचाने के लिए, तो उसको सुन लो मेरे परमेश्वर के लोगों, विश्वास कर लो। आपको परमेश्वर आवाज दे रहा है, जैसे नूह को दिया, और लोगों को भी आवाज दिया लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया, और लोगों ने ठट्ठा किया, मजाक किया, पश्चाताप नहीं किया, परमेश्वर के पास नहीं आए,
पर एक व्यक्ति है जिसका नाम नूह है, उसने विश्वास किया कि परमेश्वर इस दुनिया को नाश करने वाला है। और क्या होता है, वो 8 लोग बचाए जाते हैं उस समय। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है जो विश्वास करेगा वो ही अनंत जीवन पाएगा। जिसके पास विश्वास नहीं है या विश्वास नहीं करता कोई आदमी, वो कुछ भी कर नहीं पाएगा, उसके लिए कोई भी काम नहीं होने वाला। पर याद रखना, जो असंभव है परमेश्वर को संभव करके दिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार अपने हाथों को उठाते हुए बोलो हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। असंभव को संभव करके दिखाने वाला परमेश्वर हमारा, आप विश्वास कर लें। परमेश्वर ने अगर नूह को बचाया, वो आपको भी बचाएगा। अगर यीशु मसीह ने लाजर को जीवित किया तो वो आपको भी आज छुटकारा देगा। आपको एक काम करना है, सिर्फ क्या करना है, विश्वास करना है। क्या करना है, क्या करना है, किस पर विश्वास करना है? यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास करना, वो ही आपको सही रास्ते में ले जा सकता है, वो ही आपकी समस्या का हल है। एक व्यक्ति है जिसकी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उसके पास अपनी संतान नहीं है, वो 100 साल के करीब होने पर है, और परमेश्वर से कह रहा है मैं तुझे तेरी संतान, तेरी निज संतान देने जा रहा हूं। और वो व्यक्ति विश्वास करता है। उस व्यक्ति का नाम मालूम है, इब्राहिम है। सोचो, 100 साल की उम्र होने वाली है और उसको परमेश्वर कहता है कि अब तेरे बच्चा होगा तेरी पत्नी के, जो तेरी रियल पत्नी है। सोचो, आज किसी के साथ ऐसी बात परमेश्वर करे, तेरे पास बच्चा नहीं है और तुझे मैं बच्चा देने जा रहा हूं, तो सोचो उस समय क्या सोचेगा इंसान जिसके पास बच्चे नहीं है, जो 60 साल से या 70 साल से उसके पास बच्चे नहीं है, अपना कोई बेटा या बेटी कुछ नहीं है, और परमेश्वर उसको आवाज दे रहा है मैं तुझे बेटा देने जा रहा हूं, बेटी देने जा रहा हूं, तुझे बच्चा देने जा रहा हूं, तो सोचो क्या होगा। पहले तो ऐसा लगेगा, अरे इतने समय से नहीं हो रहा है, अब क्या होगा बच्चा, असंभव है ना, मुश्किल है ना। इब्राहिम के पास भी इस तरह की बातें आई होंगी, पर उसने ये सारी बातें नहीं सोची, ये कैसे होगा बच्चा, क्या होगा, उसने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। याद रखिए, जब आप प्रभु के पास आते हैं, ये दिमाग का काम नहीं करना है, इस दिमाग से विश्वास नहीं करना है, ये दिमाग आपको धोखा दे सकता है, इस दिमाग के अंदर किंतु परंतु कारण आ सकता है। विश्वास तो ये कहता है कि अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है आपका विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम ने वो देखा जो उसने कभी देखा नहीं था विश्वास से, कि ये जो परमेश्वर कह रहा है ऐसा होगा। हालेलुया, हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है हमारा। और इब्राहिम के 100 साल की उम्र में बच्चा हो गया। सोचो, इस बात को सोचने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे, कैसे संभव है ये आपके लिए और मेरे लिए, ये हो सकता है कठिन है, पर परमेश्वर के लिए ये काम कठिन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या सोचते कि आपकी बीमारी आपसे बड़ी है, परमेश्वर से बड़ी है, पर ऐसा नहीं है। पर होता क्या है, कई ऐसे भाई बहने जो परमेश्वर पर विश्वास कम करते हैं और बीमारी पर ज्यादा करते हैं। वचन कहता है आप विश्वास करो कि आपके लिए परमेश्वर वो कर सकता है जो आपने ये कभी नहीं सोचा है। हालेलुया,
आज मैं आपको कह रहा हूं, जो असंभव है आपके लिए वो परमेश्वर के लिए संभव है। हो सकता है कि आपके घराने में कोई चेंज नहीं हो रहा है, हो सकता है आपकी बीमारी कई दिनों से आप प्रार्थना कर रहे हो और वो ठीक नहीं हो पा रही है, पर याद रखना जब एक बीज जब भूमि पर जाता है तो क्या होता है, कितने समय तक वो भूमि पर रहता है? क्या आज बीज बोया और कल निकल जाता है, ऐसा हुआ कभी? पर वो बीज क्या होता है, जब भूमि में जाता है कितने दिन तक रहता है? पर याद रखना वो बीज जब भूमि में गया तो किसी ने देखा नहीं, पर कब देखा उस बीज को? जब अंकुर निकला। हालेलुया। आपके पास अगर छोटा सा विश्वास है, अगर आप ये सोचते हैं, ये कहते हैं, परमेश्वर मैं आज इस आशा से आया हूं कि तू मेरी परिस्थितियों का हल है, तू मेरी समस्या को खत्म कर सकता है, अगर छोटा सा विश्वास है, परमेश्वर उस विश्वास से अंकुर निकालेगा और एक दिन उसी विश्वास से एक पेड़ लगने वाला है, एक दिन उस पेड़ से फल आने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आपके पास अगर छोटा सा विश्वास है वो आपके लिए काम करेगा। आप एक बार उस परमेश्वर पर विश्वास करके तो देखो। उस समय उन लाजर की बहनों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया कि ये मर भी गया तो परमेश्वर जिला सकता है। उन्होंने अपनी बात कही, हाँ प्रभु जी, जब तू अपनी महिमा में आएगा तब हमारा भाई जीवित हो जाएगा। पर परमेश्वर उस समय कह रहे थे, अरे अभी होगा, अभी होगा, कल नहीं, अभी होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप यहां पर इस बात को लेकर के आए कि मैं आज अभी इसी समय अपने विश्वास के द्वारा प्रभु से कुछ ले लूंगा, तो ये आज ये दिन आपके लिए सबसे बेस्ट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाते हो उसको महिमा करो। कोई भी व्यक्ति यहां सुस्ती से नहीं बैठना है, कोई भी। आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपका विश्वास अगर थोड़ा सा अगर आप दिखाते हैं तो फिर याद रखो कि आपके लिए आकाश के झरोखे खोल दिए जाएंगे। पर होता क्या है, हम दिमाग से काम करना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है, आज से पहले नहीं हुआ आज के बाद कैसे हो जाएगा। मैंने कहा कई बार इस वचन को मैंने दोहराया, आदि में क्या था, और वचन, और वचन ही। हालेलुया। आपके मुंह में क्या है, आश्चर्यकर्म है। आपके मुंह में क्या है, असंभव को संभव करके दिखाने वाला परमेश्वर है आपका और मेरा। हालेलुया। जो आपके लिए असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए क्या है, संभव है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप बीमारी को नहीं, अपनी समस्या को नहीं, आज उस यीशु मसीह को देखो कि वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जो से आवाज जाके कहिए हालेलुया, हालेलुया। खड़े हो जाओ और विश्वास के साथ घोषणा करो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और इस बात को लेकर के प्रार्थना करो, असंभव को संभव करके दिखाने वाला परमेश्वर है हमारा। ओ जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए, अपने मुंह को खोलिए और बोलो, असंभव को संभव करके दिखाने वाला परमेश्वर, असंभव को संभव करके दिखाने वाला परमेश्वर। ओ जीसस, हालेलुया।